तो दोस्तों आपने इंस्टाग्राम के रील्स पर कभी ना कभी इस तरीके की अल्ट्रा स्लो मोशन वाली वीडियो तो देखी ही होगी। दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम के रील्स पर इस तरीके की ही अल्ट्रा स्लो मोशन वाली वीडियो ही सिर्फ ट्रेंडिंग में चल रही है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को भी इस तरीके की अल्ट्रा स्लो मोशन वाली वीडियो को एडिट करना सिखाऊं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके की अल्ट्रा स्लो मोशन को अपने कैपकट ऐप से कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों एकदम स्मूथ स्लो मोशन आएगा, बिल्कुल भी कहीं नहीं फंसेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये कैपकट ऐप जो है आप क्रोम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और इसको चलाने के लिए एक वीपीएन की जरूरत पड़ती है, तो हमने पहले से ही वीपीएन डाउनलोड करके रखी है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले अपनी वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीपीएन कनेक्ट होने के बाद डायरेक्ट अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों कैपकट ऐप ओपन होते ही आपको यहां पर से इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और यहां पर से दोस्तों आपकी एल्बम की जितनी वीडियोस होगी वो सारी खुल के चली आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताने के लिए इस वाले वीडियो को स्लो मोशन करके बताता हूं। तो दोस्तों मैं अभी इस वीडियो को चलाकर दिखा देता हूं। ये नॉर्मल वीडियो है, आप देख सकते हो इस पर कहीं भी स्लो मोशन नहीं अप्लाई है। तो सबसे पहले इसके वाटरमार्क को एडिट करने से पहले इसके वाटरमार्क को डिलीट कर देना, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना। तो दोस्तों अभी आपको जहाँ पर से अपनी वीडियो को स्लो मोशन करना है, आप देख सकते हो कहीं भी स्लो मोशन नहीं है इसमें। तो मैं बता दूंगा कैसे आपको स्मूथ स्लो मोशन करना है। तो अभी आपको जहाँ पर से स्लो मोशन करना है वहाँ पर चले आना है, और यहाँ पर से इस एडिट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से यहीं से स्प्लिट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको आगे चले जाना है, आपने जहाँ से जहाँ तक आपका स्लो मोशन रखना है उतना तक आपको चले जाना है। और दोस्तों जाने के बाद फिर से आपको इस स्प्लिट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक रखना है, और उसके बाद यहाँ से आपको एक बार बैक हो जाना है और इस वाले लेयर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्प्लिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको नॉर्मल को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो आपको डॉट दिख रहा है दोस्तों इसको आपको कम कर लेना है। तो इसको ज्यादा कम करने से ही आपका स्मूथ स्लो मोशन उतरेगा। दोस्तों इसको आपको कम कर लेना है लगभग 0.02 के आसपास, और उसके बाद आपको इस मेक इट स्मूथर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, बेटर क्वालिटी जिसका नाम है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार डन कर देना है। तो दोस्तों इसमें आपको 1.5-2 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आपका हो जाएगा। किसी किसी फोन में 2-2 मिनट तक का समय लगता है, आप में हो सकता है तो जल्दी भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो बूम गाइस, हम लोग का स्लो मोशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। सिंपली से यहाँ पर से आपको देख सकते हो यहाँ से स्लो मोशन है। तो इस पर क्लिक करके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इस डिस्प्ले को, और मैं अभी आपको यहाँ पर से इस वीडियो को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों एकदम स्मूथ अल्ट्रा स्लो मोशन हो चुका है। किसी भी नॉर्मल वीडियो को आप स्मूथ अल्ट्रा स्लो मोशन में कर सकते हो, इसी प्रोसेस से आपको करना होगा। तो दोस्तों मैं एक बार और चलाकर दिखा देता हूँ इस वीडियो को। तो आप देख सकते हो यहाँ से फास्ट है और यहाँ पर से एकदम अल्ट्रा स्लो मोशन। दोस्तों इसी तरीके से सारे रील्स एक्टर जो है अपनी वीडियो को स्लो मोशन करते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आपको सॉन्ग अगर ऐड करना है तो यहाँ पर से ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके अपना सॉन्ग भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो को सेव करना है तो ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी।